नमस्कार, मैं सोनम कुमारी। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज 24। खबर है प्रतापगढ़ के जिठवारा थाना क्षेत्र से। बता दें, जिठवारा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा खटवारा में ग्राम सभा के ही अंकित गुप्ता ने मुस्लिम दबंगों पर आरोप लगाया है। दबंगों के द्वारा अंकित गुप्ता के परिवार को और गाँव के कई लोगों पर जानलेवा हमला किया गया है, ऐसा अंकित गुप्ता का कहना है। मारपीट के दौरान कई लोगों को दबंगों ने मारा पीटा, साथ ही काफी ज्यादा घायल कर दिया है और इसके साथ ही घरों में जाकर के काफी तोड़फोड़ की है। इस घटना को लेकर के डेरवा बाजार से नरेगा में मजदूरी करके लौट रहे दलित व पटेल बिरादरी के लोगों को मुस्लिम समुदाय के दबंग लोगों ने काफी मारा पीटा और घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची जिठवारा पुलिस उत्पात मचा रहे तीन युवकों को हिरासत में ले ली है। घटना की तहरीर मिलने के बाद ही पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके और आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ दबिश दी है। ये रामू जी, ये बताइए क्या हुआ था जो है? सर, वहाँ पे जो है खेत में निरा उगा रहे थे सब लोग जो है। कौन निराने गया? मेरा पप्पा था। हाँ, और वो लोग का। और कौन कौन था साथ में? मेरे पप्पा थे, मेरी चाची थी। हाँ, और दोनों चाची, दो चाची थी, एक चाची का लड़का था छोटा, मेरा भाई था। हाँ, तो उन लोग से बहस हुआ, उसके बाद उन लोग ने फोन करके बुलवा लिए जो है। किसको बुलवा लिए, किन लोगों से बहस हुआ? अपने दोस्तों लोग को बुलवा लिए, थोड़ा मुसलमान लोग से हुआ था बहस। उसके बाद फोन करके बुलवा लिए, इन लोग खेत में थे जो है, तो वही घेरा बना के इन लोग को मारे। थाने में सूचना आपने दिया? हाँ, थाने में सर सूचना दिए है जो है। पुलिस गई थी मौके पे? हाँ सर, पुलिस गए थे, 10-15 मिनट बाद गई थी। मौका मुकदमा लिखा गया आपका? हाँ सर, लिख रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या हुआ था पूरा मामला? वहीं झगड़ा हो रहा था, हम लोग आए भी बचाव करके जा रहे थे, फिर वो लोग 10-15-20-25 आदमी, 50 आदमी बुला लिए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उसके बाद फिर सब लोग। ये कौन लोग थे? गांव के बाजू में रहते हैं, मुसलमान लोग हैं लोग। गांव के बाजू में उनका कौन सा गांव है? खटवारा ही लगता है, मतलब पड़ोस में ही रहते हैं। हाँ, ये लोग हमेशा एनी टाइम ऐसे आते जाते हैं, गाड़ी लेके निकल लेके ठहरते रहते हैं बिगड़ काम के, कोई काम भी नहीं रहता। हम क्योंकि हम लोग खेत में काम कर रहे थे, वहाँ ऐसा सब लोग, हम लोग घर में बैठे थे तो वहाँ देखे लड़ाई, तो हम लोग भागते भागते गए थे, देखे थे ऐसा ऐसा हो गया, मारपीट किए थे, मारपीट हो गया था, चार लोग गिर गए थे, उन लोगों को हम लोग उठा के किसी तरीके से। क्या मामला है इधर? जो है लड़ाई हुई, हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग डेरवा से बाजार करके वापस आ रहे थे, इतने मौके पर पठान और कुंजड़ा उधर मौके पर होटल पे पकड़ लिए हम लोगों को और चले हम लोगों को खून मारे, बोले ये भी हिंदू इसी को मारूँ, उसी गांव का हम लोग को मारे और ये लड़का कुछ इसको भी मारे, हमारे पीछे आ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आशीष सरोज। अच्छा, आशीष सरोज है। हाँ, कौन सा गांव है? खटवारा। और थाना? थाना जिठवारा। मारने वाले कहाँ के थे? गाँव के थे, खटवारा। वो क्या बोलते हैं, अरशद कुंजड़ा थे और अहमद रजा था, अहमद रजा बड़ा वाला भाई था और सोनू था और एक लड़का उसके साथ में और था, महफूज भी था। हाँ, तो बोलिए आपका क्या हुआ है? आप लोग को भैया सब्जी पठे रहे लौटा है वहाँ से, और मुसलमान हिंदू कुंजरा या काका थी पठान मिलके दोनों हमारे लड़के चैले से मारे। अच्छा, आपका लड़का कहाँ गया था? बाजार गए थे। अच्छा अच्छा, वो थाने में सूचना गई थी? हाँ। अच्छा अच्छा, पहले नाम क्या? नाम है रंजीत वर्मा। क्या मामला हुआ? अरे रोड पे पेड़ लगा के आ रहे थे, तो वहीं पे ये लोग छह लोग थे, गए बाइक से जा रहे थे, तो हम लोगों को मारने लगे। गांव में क्या मैटर हुआ क्या नहीं, हम लोगों को क्या मालूम। उन लोग कौन थे? कौन? अरे गांव के ही पठान लोग थे, कुंजड़ा पठान दोनों थे। अच्छा, तो तुमको चोट वोट लगी थी? हाँ लगी थी, पीछे मारे थे अभी, वो उस तरह नहीं मारे डंडा उंडा से, और पीछे फैट फैट ही मारे थे।